नमस्कार दोस्तों, नौकरी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2018 के बारे में। तो अगर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत है या फॉर्म से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का जवाब देंगे। तो इसमें देखिए, अगर रजिस्ट्रेशन में आपको कोई गलती हो गई तो उसे कैसे एडिट करना है, ये काफ़ी कमेंट आए थे। और रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम हो रही थी, हालांकि क्या हो रहा था, पूरी डिटेल्स भरने के बाद वो एरर दिखा रहा था और भी काफ़ी डाउट्स थे, उनके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जॉब्स का कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट जॉब हो, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब हो, कोई भी नया जॉब निकलता है, एग्जाम डेट आती है, एडमिट कार्ड आता है, हम सबसे पहले आपको नोटिफाई करते हैं। और दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी और एसएससी जीडी के लिए हम आपको ज्वाइनिंग तक की सारी अपडेट देंगे, ज्वाइनिंग तक आपके साथ रहेंगे, तो आप हमारे साथ जरूर जुड़ जाएं ताकि आप चाहते हैं कि आपका कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को बिना टाइम खराब किए। तो पहले इसमें बात करेंगे, जैसे रजिस्ट्रेशन हो गया है, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ गलती है, या आप उसे चेक करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, तो उसके बारे में क्या, आप जैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक ईमेल आता है, ठीक है, तो या तो आपकी ईमेल आईडी पे आएगा, मोबाइल पे आएगा, दोनों चीज़ों पे आएगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एक पासवर्ड होता है, तो आपको जब लॉगिन करते हैं तो पहले आपकी ईमेल आईडी डालनी होती है, उसके बाद नीचे जो पासवर्ड आता है 4 अंक का, वो डालना होता है, उसके बाद आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पासवर्ड चेंज के बारे में मैंने बता दिया था ऑलरेडी कि क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए, वो आप लास्ट वीडियो में चेक कर लें। तो इसमें एडिट कैसे करना अगर कोई गलती हो जाती है, तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो टैब आता है एडिट का, वहाँ से तो इसमें ये देख लीजिए, तो ये देख लीजिए, अगर आपको एडिट करना है तो ये देखिए, ये मैंने पीसी से स्क्रीनशॉट लिया है, मतलब वीडियो बनाई, तो इसमें देखिए जो आपकी डिटेल्स है ना, यहाँ पे एडिट का एक ऑप्शन आएगा, जैसे ही आप खोलेंगे, ये आपका जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर आप जैसे खोलेंगे तो उसमें क्या है, फर्स्ट टैब में ही जैसे पहला बेसिक डिटेल है, इसमें भी एडिट का आता है, अगला कॉन्टैक्ट डिटेल उसमें भी आएगा, सारे में एडिट का ऑप्शन आता है। इस पर आप एडिट पर क्लिक करें, आपको कोई भी चीज़ चेक करनी है या एडिट करनी तो एडिट करें, यहाँ अपनी सारी डिटेल्स भर दें, फिर उसे अच्छे से पहले चेक करें, फिर नीचे आएगा सेव का ऑप्शन, वहाँ सेव करें, फिर आएगा नेक्स्ट का ऑप्शन, उसमें फिर नेक्स्ट कर दें आप, अगला पेज आ जाएगा। ऐसे अगले पेज को सारे पेज चेक करके आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी गलती हुई, आपको लगता है गलती है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं, सीधा आप लॉगिन कीजिए, ठीक है। उसमें जाने के बाद जैसे खोलेंगे बेसिक डिटेल्स, पहले पेज खुलेगा, उसमें एडिट का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। अगली बात करते हैं, काफ़ी कैंडिडेट्स को ये प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे क्या है, वो कंप्लीट होने के बाद एरर दिखा जा रहा है, तो उसमें क्या है, एरर दिखाया गया, तो इसका मतलब ये है कि साइट बिजी है और सर्वर में दिक्कत है, तो इसका मतलब ये है, आप या तो उसे बाद में ट्राई करें और इसे लैपटॉप या पीसी पे ट्राई करें। मोबाइल में ये एप्लीकेशन काफ़ी प्रॉब्लम कर रही है, एसएससी की जो वेबसाइट है काफ़ी दिक्कत कर रही है, तो आप इसे लैपटॉप में ट्राई करें, एरर दिखा रहा है। तो एक क्या प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे पासवर्ड चेंज नहीं कर पाए, तो पासवर्ड के लिए आप प्लीज़ जो पहली वीडियो हो वो देखें, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगला एक प्रॉब्लम है, वो क्या है, सारी डिटेल्स भरने के बाद उसमें कुछ डिटेल्स मिसिंग दिखाता है, तो उसका मतलब क्या है कि आप जैसे क्या है, पूरा सबमिट करने के बाद, फाइनल सबमिट करने के बाद डायरेक्ट उसका प्रिंट आउट ले रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, वो इतनी जल्दी जो एप्लीकेशन है वो इतनी जल्दी एक्शन नहीं कर रहा है। इसमें क्या है, आप सारी डिटेल्स भरिए, उसे सेव कीजिए, फिर वेट कीजिए, फिर नेक्स्ट कीजिए, सारे करने के बाद फाइनल सबमिट कीजिए, और उसके बाद तब उसका प्रिंट आउट मत लीजिए इमीडिएट, ठीक है। उसके काफ़ी देर बाद आप ट्राई कीजिए, 1-2 घंटे बाद। तो इसमें क्या है, जैसे आप करने के बाद इमीडिएट उसका प्रिंट आउट ले रहे हैं, तो उसमें कुछ जो है आपकी जो डिटेल्स हैं वो मिसिंग दिखा रहे हैं, तो उसकी यही प्रॉब्लम है, ठीक है। और अगर आपको रजिस्ट्रेशन में या फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। एक क्या है, फ़ोटो और साइन में दिक्कत आ रही थी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। फ़ोटो में क्या है, फ़ोटो अपलोड करें तो फ़ोटो अपलोड नहीं हो रहा है, उसका मतलब क्या है, आपको फ़ोटो का एक फॉर्मेट दिया गया है JPEG, इस फॉर्मेट में आपका फ़ोटो और साइन होने चाहिए और उसका साइज़ दिया गया, अगर उससे ज़्यादा हो तो अपलोड नहीं होगा। फ़ोटो आपका 50 KB से कम का होना चाहिए और जो आपका साइन है सिग्नेचर वो 20 KB से कम का होना चाहिए। और जो है थंब इम्प्रेशन जिन्होंने आधार कार्ड अपलोड किया है उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आधार कार्ड आपने नहीं डाला है तो थंब इम्प्रेशन आपको लगाना पड़ेगा। तो ये कुछ आपकी डिटेल्स पे मैंने बात की है, जो आपके डाउट्स है, अगर आपको और कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको फिर याद दिला दूँ, अब से लेके आपके ज्वाइनिंग तक हम आपके साथ रहेंगे, कोई भी आपको दिक्कत आती है फिजिकल में, मेडिकल में, रिटर्न में, अभी आपकी तैयारी भी करवाएंगे एसएससी जीडी की, तो अगर आपने एसएससी जीडी का फॉर्म भरा है तो मैं आपको बोलूँगा आप जरूर से ज़रूर हमारे साथ जुड़ जाएं, आपको सारी डिटेल्स टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही था, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके किसी दोस्त को भी क्या पता प्रॉब्लम आ रही तो हमारे साथ शेयर कर सकें, उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।